नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीम। आरजेडी के समस्तीपुर के जिला नगर विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन पर और दीनदयाल अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। शाहीन ने कहा है कि एक साजिश के तहत मोहम्मद शहाबुद्दीन की हत्या की गई है। शाहीन का कहना है कि शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल के सेपरेट वार्ड में थे, तब वहां कोरोना कैसे पहुंचा और जब वो संक्रमित हो भी गए तब उनका इलाज बेहतर अस्पताल में कराने के बजाय दीनदयाल जैसे अस्पताल में क्यों कराया गया? इनका इलाज एम्स या दूसरे बड़े अस्पताल में क्यों नहीं कराया गया? जबकि हाई कोर्ट ने भी मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेहतर इलाज को लेकर के जेल प्रशासन को कहा था कि शहाबुद्दीन की बेहतर से बेहतर इलाज कराया जाए, बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराया जाए। इसको लेकर अब आरजेडी के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने बड़ा आरोप लगाया है और बड़ा साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाया है जेल प्रशासन पर और दीनदयाल उपाध्याय के सुपरिटेंडेंट पर। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के विधायक, पहले आप सुनिए। शहाबुद्दीन साहब आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। शहाबुद्दीन साहब पूर्व सांसद सिवान राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता थे, जो जीवन में कभी चुनाव नहीं हारे। चार बार सांसद का चुनाव लड़े, चारों बार जीते। विधायक का चुनाव लड़े, विधायक का चुनाव जीते और बिहार के कद्दावर नेता थे। उनकी मौत पर मुझे पूरा यकीन है कि एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जेल के आईजी ने और दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने मिल करके उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करके उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे तिहाड़ जेल में रह रहे थे और तिहाड़ जेल के सेपरेट वार्ड में थे, जहां पर किसी भी व्यक्ति को जाने आने की अनुमति नहीं थी। वैसे सुरक्षित जगह पर संक्रमण का पहुंचना एक अपने आप में शंका व्यक्त करता है। फिर भी मानते हैं कि वह संक्रमित अगर हुए तो उन्हें उनके कद के हिसाब से किसी बेहतर अस्पताल में भेजा जाना चाहिए था। दिल्ली में कई बड़े अस्पताल, एम्स है, वो मेदांता हो, अपोलो हो, जैसे बेहतर कई अस्पताल हैं, वहाँ भेजा जाना चाहिए था। उनको दीनदयाल हॉस्पिटल में भेजा गया और वहाँ पर उनकी इलाज में पूरी तरह से शिथिलता बरती गई और लगातार उनके परिजन बेहतर इलाज के लिए दबाव बना रहे थे और वह देख रहे थे कि इनका स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा था कि वह एक साधारण हल्की संक्रमण की वजह से वहां गए थे और उनकी स्थिति जिस तरह से डेली बिगड़ने की बात कही जा रही थी और ये लोग बेहतर इलाज के लिए लगातार वार्ता कर रहे थे और उच्च संस्थान में भेजने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं भेजा गया। अंत में उनके परिजनों ने हाईकोर्ट का सहारा लिया और हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उनको बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाए। उसके बावजूद, हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद, ना ही उनको एम्स भेजा गया, ना ही मेदांता भेजा गया, ना ही अपोलो भेजा गया, ना ही वहाँ पर बेहतर से बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई, ना ही परिवार के लोगों को मिलने जुलने बातचीत करने का मौका दिया गया। पूरी तरह से हम लोगों का मानना है और पूरा यकीन है कि जिस तरह से जेल आईजी का रवैया था और जिस तरह से जो दीनदयाल हॉस्पिटल के डायरेक्टर का रवैया था, इन तमाम लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत और कुछ ऊंची लोगों के मिलीभगत से उनके खिलाफ हत्या की गई है। उन पर जांच होना चाहिए इस पूरे मामले का और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। तो सुना आपने, आरजेडी के विधायक है अख्तरुल इस्लाम शाहीन जो कह रहे हैं कि साजिश के तहत कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन को मारा गया है, उनको जानबूझ करके संक्रमित किया गया है और हॉस्पिटल जो सुपरिंटेंडेंट है वो उनकी ख्याल नहीं रखा और उनको जैसे तैसे छोड़ दिया, बेहतर तरीके से इलाज नहीं किया गया। जब वो वेंटिलेटर पे जाने लायक नहीं थे, उनकी स्थिति सही थी, फिर भी उनको जानबूझ करके वेंटिलेटर पर रखा गया और परिवार वालों से बात तक नहीं करने दिया गया। कहीं ना कहीं इसमें साजिश है और हम मांग करते हैं कि इसकी जाँच की जाए। तो बड़ा आरोप लगाया आरजेडी के विधायक अख्तरुल इमान शाहीन ने, तो देखते हैं कि इस पर अब सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात होगी। आपको ये खबर अगर अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।